लोकतंत्र के महापर्व की अलग तस्वीर देखने को मिली। तस्वीर में जिम्मेदार वोटर्स और लापरवाह प्रशासन के कार्यों को देखा जा सकता है कि कैसे नाव से सफर कर ग्रामीण अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ तक पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रशासन की लापरवाही का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी में वोट पर सवार होकर कहीं बाजार या हाट घूमने ये लोग नहीं जा रहे। वोट पर सवार होकर ये लोग मतदान कर अपना नेता चुनने जा रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना वोट पर सवार होकर वोट करने जा रहे हैं। आजादी के 71 साल बाद भी ये मतदाता इस आस में मतदान कर रहे हैं कि जिस नेता को वो चुनेंगे वो इनका विकास करेगा। जहां एक तरफ लोग विकास कार्य न होने के चलते मतदान बहिष्कार करते हैं, वहीं ये मतदाता विकास की आस में मतदान कर रहे हैं। मतदान करने जा रही महिला से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गांव में जाने का रास्ता नहीं है, फिर भी वो वोट देने आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो नदी पार करके वोट डालने आते हैं, रास्ते में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है, इसके बाद भी वो लगातार इस आस में मतदान करते हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। मोदी से आते हैं अब वोट डालने, तीन गो नदी उतरते है डेंगी से, नाव से जंगल पड़ते हैं, बाघ लगते हैं, हाथी लगते हैं, सब कुछ लगते हैं। हम लोग के रहे साधन भी नहीं है, सब कुछ का परेशानी हम लोग के है, रात है भी रात है, हम लोग के कोनो कुत्ती नहीं है, बहुत दिन से बचपन से सब यहाँ बसे हैं। तो 35 साल हो गई लमसम, हम 25 साल से वोट डाल रहे हैं और तीन नदी पड़ रही, तीन नदी से उतर के आ रहे हैं, बाघ हाथी सब लग रहे हैं। यहाँ पे सूरत नगर टांडा गांव है, वहाँ पे जाते हैं वोट डालने के लिए, तिकोनिया के करीब में है। मतदान करने जा रहे मतदाताओं को ये उम्मीद है कि वो जिस नेता को चुनेंगे वो उनके क्षेत्र का विकास करेगा, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनके साथ कितना न्याय होगा, जिनको ये नेता चुनेंगे वो क्षेत्र का कितना विकास करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जी हाँ, तो देखिए चौथे चरण का रण था आज, जहाँ पर दिग्गजों ने भी